Every other second is a reminder of school. I am impressed. अरे मैं तो एक आंसर पहले से जानता हूँ. जिसको नई इंटरेस्ट हो वो नहीं सीखेगा. खत्म होने के बाद लड्डू मिलेगा क्या? Hey guys, my name is Aditya and welcome back to another episode of Bhayankar Video Calls. So, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग सोच रहे होंगे इतना सज धज के ये घर में क्यों बैठा है. सो आज इंडिपेंडेंस डे है, सो हमने सोचा why not. तो आज जो हमारा एपिसोड होने वाला है ये एक क्विज होने वाला है और मैं हमेशा की तरह टाइमर पकड़ के बैठने वाला. चूंकि आज इंडिपेंडेंस डे है तो आप लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. तो जैसा कि मैं फिर से टाइमर मैन बन के बैठा हूं, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स रोल द इंट्रो. ऑल राइट, तो आज हमारे साथ ये तीन लोग महापुरुष हमारे साथ आए हैं क्विज कंपटीशन के लिए. और आज हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं किसको ज्यादा पता है अपने इंडियन हिस्ट्री या फिर अपने इंडिया के बारे में. तो आज हमारे साथ हैं क्लास के टॉपर संभव कुमार दास, उसके बाद सौरभ राउत जो हमारे क्लास के एवरेज स्टूडेंट थे, एंड सौरभ रथ जिसे लोग प्यार से नालायक बुलाते थे. बुरा लगता है. हमने बढ़िया ट्रियो चुना है आज के गेम के लिए. एंड कोइंसिडेंटली ऐसा भी हुआ है कि मैंने इन लोगों को बोला नहीं था ये ऑरेंज और व्हाइट और ग्रीन पहनने के लिए, ये इत्तेफाक से हो गया. ऑलराइट, तो तुम लोग तैयार हो? मैं रूल्स बता देता हूँ तुम लोगों को गेम के. सो पिछला वाला वीडियो तुम लोगों ने देखा होगा कि पिक्चर देखकर आप लोगों को बताना था मूवी का नाम, ठीक है. तो इस बार भी ऐसे ही कुछ होने वाला है. इस बार जो पोस्टर में तीन एलिमेंट्स होने वाले हैं चार की जगह, तो तीन एलिमेंट देखकर आपको बताने हैं कि ये कौन सा पर्सनैलिटी है या फिर कौन सा इवेंट है या फिर ये कौन सा जगह है. सो तीन राउंड होंगे इसमें, ठीक है, समझ आ गया. एंड ऐसा है कि किसी को मैं किसी के लिए ये क्वेश्चन ऐसा नहीं दूंगा कि ये क्वेश्चन संभव के लिए या फिर ये राउत के लिए या फिर रोथो के लिए. ये क्वेश्चन ऐसे होने वाले कि मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आप लोगों को और जिसको आता होगा वो सबसे पहले हाथ उठाएगा. तो काइंड ऑफ बजर राउंड होने वाला है ये, ठीक है. जो सबसे पहले हाथ उठाएगा वो आंसर देगा एंड जिसका करेक्ट आंसर होगा उसे 5 पॉइंट्स मिलेगा. अगर कोई हाथ उठाता है और उसका आंसर करेक्ट नहीं है तो दूसरे बंदे को मौका मिलेगा एंड उसको 3 पॉइंट्स मिलेगा. नेगेटिव पॉइंट नहीं है? नहीं नहीं, माइनस मार्किंग नहीं है भाई. वो टॉपर है ना, डायरेक्ट मार्क्स के ऊपर चला गया. ओके, तो समझ में आ गया आप सबको? ठीक है, बहुत अच्छी तरह. यू गाइस रेडी? रेडी रेडी. ओके राइट, तो ये रहा पहला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे. सुभाष चंद्र बोस. संभव को सब पता है, ये पढ़ के आया सब कुछ. संभव बताओ, बता दे. नत्रमगढ़ से. रॉन्ग आंसर. अरे गन पे ध्यान दो, वो गन जो है उन्होंने यूज किया था, ये उनका ओरिजिनल गन है. राहुल गो अहेड. चंद्रशेखर. नहीं, गलत. संभव तू भी हाथ उठाया था. यस मैं बोलूं? हां, एग्जैक्ट. भगत सिंह. भगत सिंह करेक्ट है. केबल वाला क्या था? चार कौन सा? ताना स्पून वगैरह. हंगर स्ट्राइक किया था उन्होंने. क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो? ए भाई क्या, क्लियरली आई एम नॉट. बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे. पर मैंने सोचा कि वो उसका है, क्या बोलते हैं, एसोसिएशन अटेम्प्ट का. अच्छा, इसलिए नथिंग नंबर. यार मैं क्या कर रहा हूं, फील्स लाइक आई एम बैक इन स्कूल अगेन. राहुल आज बेटा एक बार भी नहीं करोगे. मूविंग ऑन. तीसरा इजी है भाई. बेस गो अहेड. बेसिक मैथ में भी नरेंद्र मोदी गलत है. राउत को पता है शायद. बाल गंगाधर तिलक. परफेक्ट.
अरे बाप रे, स्वराज इज माय बर्थ राइट. यस, स्वराज इज माय बर्थ राइट. चलो, राउत का खाता खुल चुका है. रथो, तेरा खून कब खोलेगा? बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल. व्हाट अ डिसअपॉइंटमेंट. बट यार, फन, आई एम गेटिंग एजुकेटेड टुडे. मैं वही बोला ना, फील्स लाइक स्कूल अगेन. कि क्या किसने क्या अटेंड कर रहा है आज? राइट, सेकंड राउंड के एंड पे चला देते, इसको बाहर भेज देगा. अबे हमेशा किधर है रथो? टेक योर बैग एंड गो टू प्रिंसिपल्स ऑफिस. प्लीज कम आउट, प्लीज कम आउट. चलो ठीक है, इससे ये साबित होता है कि बच्चे क्लास में कुछ भी कर ले, हिस्ट्री टीचर चाहे उनको 3 महीना हाथ ऊपर करके खड़ा कर ले, जिसको नई इंटरेस्ट हो वो नहीं सीखेगा. हाँ, ये अपना पर्सनल एनेक्डोट शेयर करते हुए सौरभ, मूवी ऑन. ठीक है, अब हम सेकेंड राउंड स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को गेस करना होगा कि ये कौन सा प्लेस है. तो सेकेंड राउंड का पहला प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन. कारगिल. हाँ, सौरभ राउत, सौरभ कारगिल. कारगिल. कारगिल क्या कारगिल? मतलब अपना 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 इंडियन बॉर्डर, अपना देश की सीमा. नहीं बेटा, और कोई बोलना चाहेगा? चलो हिंट विंट चाहिए क्या? हाँ हाँ बिल्कुल. तो ये अभी कुछ दिनों पहले ही बना है ये जगह. ये एक चीज बनाया गया है दिल्ली में, नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था. थोड़ा ये तो करंट अफेयर्स हो गए. कोई आइडिया नहीं है? राजघाट? नहीं, अभी राजघाट अभी थोड़ी ना बना है. सो एक्चुअली द प्लेस इज वॉर कारगिल. ये दिल्ली में बनाया गया वॉर मेमोरियल, नॉट वॉर कारगिल, वॉर मेमोरियल. सबसे पहला तो मैं वही बोला. अच्छा, बट मैं भी कारगिल बोला. सबसे पहला मैं ही बोला. कारगिल तो है ही नहीं ना, वॉर मेमोरियल. हां हां, वॉर कारगिल, वॉर मेमोरियल है. हां ठीक है, वो आपके हाफ पॉइंट, आधा पॉइंट. ओके, 3 पॉइंट दे देते हैं इसको. एवरी अदर सेकंड इज अ रिमाइंडर ऑफ स्कूल. हां, पास कर या पाई, ठीक है, दे ही दिया. कौन? ओके ओके, चलो फिर मैं सेकंड क्वेश्चन भेजता हूँ. मूविंग ऑन. ये इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है मुझे ऐसा लगता है. तुम लोग आराम से बता दोगे. पहले से हाथ खड़ा कर दो. अबे हाँ, राउत का सबसे पहले हाथ आया, बताओ. काला पानी, लक अंडमान निकोबार. दैट्स राइट, वेरी गुड. सेलुलर जेल. टुडे इटसेल्फ अंडमान निकोबार आइलैंड इज आल्सो पार्ट ऑफ द होल नेशन नाउ. They also have internet, so they'll be a part of the whole economy now. It's very amazing. My God, so you took credit away from India. I am impressed. Andaman Nicobar was part of India, right? No, it was always a part of India, but digitally it was never connected. So nice, good. मतलब अब अगर कोई अंडमान निकोबार जाएगा तो वहाँ से ही फोटो अपलोड कर सकता है. फोटो अपलोड कर सकता है. Alright, तो ये सेकंड राउंड का लास्ट क्वेश्चन है. Alright, ये मुझे लग रहा है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सौरभ तू ये आंसर दे देगा. ठीक है, रथो वही. रथो भाई बता. रथो बता क्या? पद्मावत. अबे यार, ये जगह बताना है. क्या जगह बताना है? मूवी नहीं बताना. अच्छा, जगह. हाँ, अब शिवाजी कहाँ के थे? पुणे. पुणे. हाँ, पुणे में है ये जगह. ठीक है, पुणे में मराठावाड़ में. क्या है ये? क्या है यार वो जगह का नाम? शिट, सम वार्ड, राइट? सम वार्ड. हाँ, काइंड. हाँ, तू पिक्चर देख, तू पिक्चर देख. वो जो मैं भेजा हूँ उसमें क्यू है, वो नाम तेरे को अच्छे से याद आ जाएगा, बहुत अच्छे से याद आ जाएगा. सैटरडे. सैटरडे क्यों नहीं है? तुम लोग रेडी हो? चलिए शुरू कर. ठीक है, तो इस राउंड में बेसिकली तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को गेस करना है कि ये कौन सा इवेंट है. ओके, यार
तो ठीक है, तैयार हो? इजी है यार, ये सीरियसली बोल रहा हूँ, ये सबसे इजी है। मैं तो एक आंसर पहले से जानता हूँ, वो तो मैं बोल ही दूंगा। तेरा इजी हमें पता है। अबे तुझे कैसे पता है संदर? तीन चार ही मूवमेंट है जो डालेगा तू। ऐसा क्या तुम्हें क्या लगता है मैं टाटा सॉल्ट डाल के डांडी मार्च करूंगा? आदि ये जोक पिछले तीन दिन से रात को प्रैक्टिस कर रहा है कि बराबर टाइम पे मैं क्रैक कर। चलो भेजता हूँ मैं। क्या मस्ते बोले रे? क्वेश्चन देखो। ए राउत हाथ उठा चुका है। राउत राउत पूरी अटैक, पूरी अटैक तो मूवी है। तो मूवमेंट का नाम रथो, तू भी हाथ उठाया था। एयर स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक मैंने नहीं उठाया था, रथो ने उठाया था। एयर स्ट्राइक ठीक है, बट उसका एक नाम था ना, उसका एग्जैक्ट टर्म ना, बालाकोट, बालाकोट एयर स्ट्राइक क्या था? बालाकोट एयर स्ट्राइक इज द राइट आंसर, बट अभी क्या है पर ये मूवमेंट कैसे हुआ? अबे तो ये मूवमेंट नहीं, इट वाज अ मेजर इवेंट था। मैं इवेंट फॉर इवेंट बोलना, इवेंट ठीक है। मैं बोला था कि ये इवेंट गेस करना होगा तुम्हें। हां इवेंट गेस पूरा मुझे हेल्प मिलता है, पूरा तीनों ने, दोनों ने हेल्प किया। मैं भी बोल रहा नहीं, तो इस बार एक्चुअली तीनों ने ही बोला है। ये उरी अटैक को पॉइंट नहीं मिलेगा क्योंकि ये मूवी है एक्चुअली। एयर स्ट्राइक को पॉइंट देते हैं 3 पॉइंट्स और तुम्हें 3 पॉइंट देते हैं संभव, क्योंकि एयर स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक अभी और दो चांस हैं तुम लोगों के पास। दिल पे ले लिया मैंने। Feelings are hurt. Yeah, not the first time. अब तो आदत सी है मुझको ऐसे। लॉल। Alright, moving ahead. Next question के लिए तैयार हो तुम लोग? Yes. How's the Jose? Not so great, sir. Midway, sir. Midway. गलत होने के बाद high sir नहीं बोल सकते। Somewhere midway. चलो, दूसरा प्रश्न। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। राउत ने सबसे पहले हाथ उठा दिया है। राउत सही आंसर दे दे। जालियांवाला बाग। That's right, जालियांवाला बाग। Great राउत, सबसे आगे निकल चुका है। अब ये लास्ट जो तुम्हारे सामने लास्ट इमेज आने वाला है, कोई भी जीत आंसर देगा तो जीत सकता है। अबे भाई साहब, ये बहुत ही खतरनाक, सीरियसली ये तो कुछ अलग ही हो गया। लेकिन मैं एक बात बता, बहुत ही इजी। अबे यार तेरा आराम से सोचना और आंसर दे। ये पहले से तो जैसे ही हाथ उठाओगे मैं आंसर पूछूंगा, तुम्हें उस टाइम ही आंसर देना है, ठीक है? सोचने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑल राइट, मैं भेज रहा हूँ। अबे ये दोनों ही ने साथ दिया है यार, ये दोनों ने हाथ साथ में उठाया। नहीं मैंने उठाया तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बहुत मुश्किल वाला सिचुएशन है। 1 2 3 करने पे बोलना है। ठीक है, नहीं सोचने का टाइम दिया। ठीक है, 1 2 3 अयोध्या राम मंदिर। दैट्स राइट, दोनों का आंसर सही है वैसे तो हम जीते। हाथ किसने पहले उठाया? मैंने उठाया, रिप्ले चाहिए जनाब हमें। आयरोनिकली ये वहीं पे आके फिर से हुआ है कि हाथ कौन पहले उठाया। स्टिल एग्जिस्ट मन, द कॉन्फ्लिक्ट स्टिल एग्जिस्ट। ऑलराइट, तो थर्ड अंपायर के साथ हमारी डील हुई है कि हम अब स्लो मोशन में देखेंगे कि किसने पहले हाथ उठाया था, क्योंकि आंसर दोनों ने साथ में दिया और करेक्ट दिया, तो जो पहले हाथ उठाया होगा वो जीतेगा। राइट, ऑलराइट, तो ये इंडिपेंडेंस डे स्पेशल गेम में हमारे विजेता हैं, जो कि पिछले हर हमेशा से जीत के आ रहे हैं, सौरभ राउत। डैब कर ले आज, सल्यूट कर ले, आज सल्यूट कर ले, सल्यूट कर ले। आज सडनली पॉलिटिशियन बन रहा है, आज आज पलटी खा रहा है, आज नमस्ते करना भाई। ऑलराइट, तो तुम लोगों को मजा आया गेम में? अमेजिंग, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे डिफरेंट था, तो अच्छा लगा। काफी अमेजिंग था, काफी फन था, और इन्फॉर्मेटिव के साथ साथ काफी फनी लगा, जो कि बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है, और अब तो जीतने की आदत हो गई है बस। मैं ब्रह्म हूं। अभी हम लोग सीरियसली चैनल से
अभी लोग सीरियसली बोलने वाले कि ये राउत के साथ पक्का कोई सेटिंग है, हर गेम में कैसे जीत जाता है। अबे लोग, लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है धोखा देना, छोड़ो कल की बात। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। मैं तो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं हूँ, मैं मेरे को कुछ बोलने लायक छोड़ा ही कहा, हर एपिसोड में बोला के भाई। तू अच्छा कॉम्पिटिशन दिया यार, तू इन दोनों को अच्छा, तू जाके आंटी को बोल सकता है की मैं मतलब संभव को कॉम्पिटिशन दिया था लास्ट राउंड। मम्मी मम्मी बोलेगी वो सब ठीक है, पूरा ब्लॉग देखने के बाद बोलेगी संभव का आईटीआर रिटर्न कितना है पता है, देखो मैं लोग आ रहे भाग। I don't stand a chance, भाई। All right, तो ये वीडियो अब यहीं पे खत्म करते हैं। So, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिए और बोलिए कि आदित्य को गेट आउट। अबे भाई। And please subscribe to the channel, और आपको इधर नीचे एक घंटा दिख रहा होगा, बेल आइकॉन है उसको बजा दीजिए। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। चलो बाय बाय, एडियोस, पीस। परफेक्ट, मजा आ गया।